जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कम 200 गांव को लीसर पावर ग्रिड स्टेशन से लाभ मिलने वाला है, जो अंतिम चरण में है। पावर ग्रिड स्टेशन का निर्माण प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। अगले 2 महीनों के भीतर ग्रिड स्टेशन चालू हो जाएगा। कुकरनाग, वेरीनाग, ब्रेंग, लिसर और कई अन्य गांवों को अब निर्बाध बिजली प्रदान की जाएगी। पावर ग्रिड स्टेशन की क्षमता 132 33 केवी की रेटिंग के साथ 50 एमवी है। इस बीच एई शफीक अहमद ने कहा कि ग्रिड स्टेशन की नींव का काम प्रगति पर है। इस बीच 50 एमवीए ट्रांसफार्मर की डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है और अगले 2 महीनों के भीतर काम को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि उपभोक्ता राहत की सांस ले सके। उन्होंने ये भी कहा कि मीर बाजार पावर ग्रिड का विस्तार प्रगति पर है और पूरा होने के बाद हम 50 एमवीए ट्रांसफार्मर स्थापित करेंगे, जिसे बिना कटौती के बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए लीसर ग्रिड स्टेशन के लिए अनुमोदित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम दिन रात काम कर रहे हैं। मैं आप वैसे भी आई थिंक एवरीबॉडी इज क्वाइट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। देखिए, विंटर में हमारा जो पावर सप्लाई का क्वालिटी होता है वो रिड्यूस होता है, उसमें वोल्टेज का मसला आता है और उसमें हमारी डिमांड जो है वो वैसे भी बढ़ जाती है, एंड बहुत हद तक हम फेल होते हैं वो लोगों को वो एडिक्वेट सप्लाई फराहम करने में। इसी लिहाज से इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना डिमांड एसेस करके यहाँ पे वो डीपीआर सबमिट किया था, वो इसके लिए ये कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए। ये कोई 2 साल पहले की बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोविड का इसमें बीच में आ गया, कोविड की वजह से हमारा डीपीआर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा धीमा पड़ गया, लेकिन फाइनली अल्लाह ताला ने फजल किया और वी मैनेज टू कम आउट ऑफ दैट पेंडेमिक ग्रेटर एक्सटेंट। और हमारा जो डीपीआर था वो भी, उसका भी अप्रूवल आ गया और ऑन ग्राउंड हमने वर्क ऑलरेडी इस पर स्टार्ट किया है। इसमें सबसे बहुत मसला होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो सिविल वर्क का होता है। जिनमें से अगर आप बाहर जाएंगे, आपने वैसे भी एज यू हैव नोटिस्ड योर सेल्फ कि सिविल वर्क इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इसी पे हमारा जो स्किल स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो उसी पे आता है, लेकिन इट गोज अननोटिस्ड। आपने खुद देखा होगा कि जैसे आपने देखा कल जाके जब हम इस पे वो अपना स्टील स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो आप खुद आप थोड़ा बहुत ये इल्यूसिव लगता है कि इसके नीचे भी कुछ है कि नहीं। लेकिन सबसे चैलेंजिंग जो पावर पोर्शन होता है हमारा जो ऑगमेंटेशन वर्क का, या जब भी हम कोई नया वाला ग्रिड बनाते हैं तो इसमें अंडरग्राउंड पोर्शन का जो सिविल वर्क होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस पर हमने ऑलरेडी काम स्टार्ट किया है। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी दिस कंप्लीटेड अराउंड 60% ऑफ जॉब। तो कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल ना होने की वजह से और बीच में जो हमारा वो मौसम में भी थोड़ी 2-3 दिन के लिए दिक्कत होगी, तो उस वजह से वी लॉस्ट सम मोमेंटम इन दिस, बट वी एक्सपेक्ट दैट बाई 15th of November हमारा जो सिविल वर्क जो है वी विल इंशाल्लाह टाइवर लेवल बेस्ट कि सिविल वर्क हमारा जो है वो 15th of November तक इंशाल्लाह काफ़ी हद तक वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड वी विल बी इन अ पोजीशन टू इंस्टॉल द ट्रांसफार्मर इंशाल्लाह बाई 15th of December। डेफिनेटली वही तो इसकी बुनियादी फिलासफी है, उसीलिए तो ये सारा कुछ हम कर रहे हैं ताकि 50 MVA का जो एडिशनल कोटा हमारे पास अवेलेबल होगा तो उससे तो हमारी डिमांड हो जाए। वो तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी है, क्योंकि फ्यूचर में भी जो हमारा दो कोई 4-5 साल तक का जो डिमांड है वी विल मीट दैट ईजीली। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड करूँगा वो ये है कि अगर मान लीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं 50 MVA ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल करूँ सपोज, लेकिन तब तक मैं इस ग्रिड से इससे ज़्यादा पावर सप्लाई नहीं कर पाऊँगा जो कि मैं इस वक्त देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मीर बाजार जो मेरा फीडिंग ग्रिड है उससे जो सप्लाई मुझे अवेलेबल है वो तो उससे आगे मुझे जाने नहीं देंगे। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया है कि उसके लिए ऑलरेडी हमारे जो हायर अप्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे भी ऑगमेंटेशन का काम स्टार्ट किया है, एंड इंशाल्लाह रहमान वी आर होपफुल कि उसको इसके साथ सिंक्रोनाइज करके एक साथ वहाँ पे भी वो कमीशन हो जाएगा और इंशाल्लाह रहमान ये भी कमीशन हो जाएगा और साथ साथ में जो ही हमारा ये कमीशन हो जाएगा एंड इवेंचुअली वी विल बी प्रोवाइडिंग सैटिस्फैक्टरी सप्लाई इंशाल्लाह रहमान टू आवर दिस जनरल पब्लिक। अंतनाग से दी अर्थ न्यूज के लिए हिलाल शाह की रिपोर्ट।